गाड़ी की हालत चेक करें जी। ये देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कार्बोरेटर है, इसकी हालत चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम बहन भाई अल्लाह के फजल और करम के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी उन बहनों का, अपने उन भाइयों का जिन्होंने कमेंट्स किए कि हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझा कि आप लोगों की वीडियो क्यों नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप तमाम बहन भाइयों का कि जो इंतज़ार करते हैं हमारी वीडियो का और इतना सारा प्यार देते हैं, जज़ाकअल्लाह खैर। बाकी जो हमारे साथ कल हुआ है, पहले आप हमारा, हम तो हंसी खुशी थे, सब कुछ ठीक था, पहले आप ये हमारा व्लॉग देख लें जो हमने कल शूट भी किया था लेकिन हम अपलोड नहीं कर सके। तो उसके बाद फिर आपके साथ जो है हम डिस्कस करते हैं कि कल हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बस्ता नहीं लग रहा। अच्छा जी, इसका बस्ता नहीं लग रहा। अच्छा, मैं आपको इसकी वर्दी चेक कराऊं। ये देखें, नीचे भी कपड़े पहने हुए हैं इसने और ऊपर भी कपड़े पहने हुए हैं। तीनों ने असल में धुंध है ना, हाँ सर्दी है, तो इस वजह से इन्होंने ऊपर ही पहन लिया कि वापसी पे आके वर्दी चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, बस ये कपड़े उतार लें। तो मैं इनको स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ ना, ठीक है? जब ये वापसी स्कूल से आते हैं ना तो इनके कपड़े वर्दी इनकी ये ना बैग में होती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कैसे से हैं, जा रहे कुछ रहे, आबाद रहे। बच्चों का नया दिन है, स्कूल का दुआ करना मेरे बच्चों के लिए, अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी से नवाज़े। उधर के निस्बत मेथी पालक जो वहाँ पर लगाई थी उसकी निस्बत मेथी पालक यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उगी है और बहुत बड़ी भी होगी, काफ़ी दफ़ा पकाया भी है। ये देखें, कटिंग भी हुई है, विलेज वाले भी ले गए हैं यहाँ से। और ये देखें, ये मेथी माशाल्लाह, और पालक भी यहाँ पर बहुत बड़ी और हेल्दी हुई है। इस तरह हम सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं और भाई साहब जो हैं 11 बजे नाश्ता करते हैं, 10:50 हो रहे हैं। कल शादी वाला कौरमा, कल जो शादी से कोरमा लाए थे वो खा रहे हैं। ये हमेशा ही साथ है। हाँ जी। अच्छा एक काम तो कर लो आज जी, ये वाले तो हटा लो यहाँ से। हाँ जी, मैं बस रोज सोचती हूँ, सर्दी सुबह में बहुत होती है, अभी भी मेरे हाथ ठंडे पड़े हैं। और ये बेड शीट मैं कहता हूँ ये जो आई है ना वो वाली चेंज कर लो इसके साथ, या वो रखोगी? मैं वो रखूंगी, यही वाली सही करूंगी, साफ है अभी चादर। अच्छा, परसों तो मशीन लगा के धोई। ये जो जी सिंध की सौगात आई थी ये भी टेस्ट किए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारे जबान में इनको कहते हैं मरूंडे, मरूंडे और तिल के लड्डू, तिल के लड्डू भी कहते हैं, लेकिन और ये ज्यादा गर्म होते हैं तो इसलिए हम इसे थोड़े थोड़े करके खा रहे हैं। ये सराकी में इसको मरूंडे कहते हैं, सिंधी में अलाय छा, तो बच्चा में हिना के सिंधी थोड़ी थोड़ी आती है मुझे। इसका डाउट क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, बहुत हंसाया इसने, बहुत। इसके लिए तिल बाजार जाना है ना, तिल हाँ, टूथपेक लेने हैं और एक में नमक और एक में काली मिर्ची। काली मिर्ची हाँ। ये जी जवाद की हैंडमेड क्राफ्ट है, ये देखें ट्राली इसने बनाई हुई है, कैसे अभी स्कूल गया हुआ है, ट्रैक्टर है और इसके पीछे ये ट्राली बनाई है। और इसने रात 12 बजे तक बैठकर एक ट्रेन बनाई है, मैं आपको उसकी ट्रेन दिखाऊं। ट्रेन तोड़ दिया उसने? नहीं तोड़ी। जब इनको देखता हूँ तो बहुत सारा प्यार नजर आता है। राबिया ने सजा के रख दिए हैं। राबिया जी, देखो माशाल्लाह कितना प्यारा है, आप तो सजा के तो पूरा फैमिली फोटो लगा हुआ ऊपर। प्यार के जिस प्यार से रखनी पड़ती है ना। इसमें आज चाय डाल के दे देना। नो नहीं जी, नहीं जी। हाँ, ये वाला सेंट सऊदी अरब से आया था। अच्छा, ये वाला सेंट सऊदी अरब से आया था, और सात वाला कहाँ से आया था राबिया? ये वाला। अच्छा मैडम जी, आज एक काम कर लेना, ये देखो और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के ऊपर ना काफी सारी डस्ट है, ये साफ आज कर देते हैं इन सबको। इसका ये टन टन ऐसे ही चलता ही रहता है, आवाज तो आती नहीं है, बस ऐसे खाली घूम रहा होता है। अभी धूप निकल आई है और धूप सेकने के लिए हम लोग बाहर आउट में। क्या हो गया? क्या अट्टा शबाद घ्यू? मैं कह कौन सा घ्यू? मैंने कहा शबाद, कह रहे वो तो महंगा है। मैं 380 रुपए चल रहा है शबाज घी। हाँ वो तो महंगा है, वो महंगा है। अंडे का मेरे ख्याल 160 आधा किलो, 100 हाँ किलो 160 360 तो हम 370 देते हैं ना, शबाज वाला है हमारे पास 380 हो गया। हाँ शबाज वाला। आज ये वाला ट्यूबवेल चल रहा है, डिक 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 सुबह से दुकानदारी बना लिए, 360-370 पे दे रही है घी और 370 पे ही हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पर विलेज में, क्योंकि 360 रुपये हमें वहाँ से मार्केट से मिला है। 70 आला
क्या हुआ? फाइबर क्या 290 रुपए देते हैं? ये 290 रुपए तो मैं तेल लेकर आती हूँ। नहीं नहीं 290 रुपए देते हैं। ये दूसरे वाला खैबर वाला है ना? हाँ। तो ये 350 रुपए है। ये 350। शहबाज वाला 370 रुपए है और ये वाला 350 है। दो सौ नब्बे रुपए किलो। नहीं 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 नहीं, वो दूसरा है, ये खजूर वाला है। इधर लेके आओ, कौन सा वाला इधर लाओ। खजूर वाला टैबर है। ये वाला घी लेके आई थी जी राबिया, खैबर वाला। हाँ, जो शहबाज वाला है वो खत्म हो गया। शहबाज वाला 380 रुपए चल रहा है। 370 रुपए हम बेच रहे थे, हम उसी रेट पे ही बेचेंगे। 380 रुपए अभी शायद हो गया, लेकिन 370 हमें पीछे से मिला, हम 10 रुपए। 360 मिला था लिखा हुआ है, दुकानदारी नहीं हुई, वो बंदा जो है वो आगे चला गया है शहर से लेने के लिए, घी वापस जा रहे हैं। और ये भी हमारा हमसाया था, वो सामने वाला घर है उसका, ये सीमेंट वाला, वो मेरे ख्याल में दूसरी दुकानें उधर हैं, वहाँ से लेकर आ रहा है घी। अभी इससे रेट पता करते हैं कि कैसे दिया है। ये खजूर है और जो हमारे पास है वो खैबर है। वो खैबर है, ये देखो ना, ये तो खाजी लिखा हुआ है। खाजी खजूर भी नहीं, खाजी लिखा हुआ है। ये खाजी खजी है, खजी ये ए, तो ब्याह है, वो ब्याह हजरा संत तक तो वो असल है, वो असल है। ये कैसे दिया? 300 रुपए और वो 350 रुपए। हाजी ये नकल है, ये ना पता क्या सर्दियों में गला बिठा देगा। चले क्या को पानी लेना पी चुचू टुक्का बदेना किदे इदे अगी ते इदे इधर 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 अपनी जमीन में। ये ट्यूबवेल चलाओगे? ये वाला ट्यूबवेल चलेगा, ये वाला ये चला रहा हूं। अच्छा ठीक, मामू वाले अपनी जमीन में पानी, घास को पानी लेना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा घास का बारा है पानी। रबिया अभी हमारे इलाके में, ये जी आपको दूर से दिखाया था, ये बाग अभी लगा है माल्टे वगैरह का, तो अभी थोड़ा सा क्लोज, अभी तो छोटा छोटा है, जब बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा ये खतरनाक है अपने इलाके के लिए। माल्टे का बाग है, इतना घना तो नहीं होगा रबिया, बहुत खतरनाक है फिर भी। अच्छा तैयारी कर ली तुम लोगों ने, कपड़े पहन लिए जी, तो नाश्ता करने के लिए यही बैठ रहे हो हैं? टेबल पे नहीं बैठोगे हैं? टेबल पे नहीं बैठ रहे? नहीं नहीं आदत जो पड़ी हुई है। हाँ, यही अपनी अम्मा के पास बैठ जाते हैं, बस वहाँ से पकती रहती है और यहाँ से उठा के खाते रहते। मेरी चाय, मेरी चाय दे दो। गर्मा गर्म चाय। सुबह सुबह का वक्त है और धुंध काफी ज्यादा है, चाय का प्याला हाथ में और यहाँ बाहर खेतों में खड़े होकर चाय पी रहा हूँ जी। आज भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है, ये देखें जिस तरफ भी नज़र जा रही है, हाँ बिल्कुल धुंध ही धुंध। गाड़ी की हालत चेक करें जी, ये देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कार्बोरेटर है, इसकी हालत चेक करें, यहाँ से भी ख़त्म टूटा है, यहाँ से भी बिल्कुल, और ये यहाँ से भी बिल्कुल ये टूट गया है, यहाँ पर भी पूरा डेंट है और काफ़ी सारा यानी कि नुकसान हुआ है गाड़ी का। खैर चीज़ें तो दोबारा बन जाती हैं, चीज़ों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई। बाकी ये है कि हुआ कुछ इस तरीके से है कि कल तकरीबन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, व्लॉग वगैरह भी शूट किया है, उसके बाद जो है ना मैं अंदर जा के सो गया हूँ। राबिया ने बनाया था कल जो है ना गोश्त, और बच्चे स्कूल से, हादिया और अक्सा जो है ये जल्दी वापस आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 12:45 बजे और जवाद जो है वो आता है 3:00 बजे 2:45 बजे, तो कल मैं उसको लेने भी नहीं जा सका हूँ, तो वो वापसी में जब आया तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो गया था, राबिया ने मुझे जगाया नहीं है, उसका टाइम हो गया था, तो उसको मेरा कज़न मेरे ख्याल में लेके आया है या फिर वो पैदल आया है दूसरे बच्चों के साथ, विलेज वालों के साथ, तो आके काफ़ी सारा यानी कि मुझे लेने क्यों नहीं आए हो, तो राबिया ने बताया कि आपके पापा जो है अंदर सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। खैर राबिया ने सालन बना लिया, रोटी बन गई और बच्चे हमेशा बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गए, राबिया ने उसको बुलाया, वो घर पर आया, मैं अंदर सोया हुआ था, इसने खाना खाने के लिए बुलाया और वो आते ही राबिया अंदर थी, वो उधर बैक वाले कमरे में, मैं इस कमरे में सो रहा था, वो आके ना गाड़ी निकाली है और निकाल के ले गया है बाहर। रोड पे नहीं जाता? रोड पे तो नहीं जाता, इधर ही विलेज में, मतलब कि इधर, लेकिन फिर भी जो है ना डर लगता है और
वो चीज लेने गया था जो उसके पसंद की चीज थी ना, वो दुकान में नहीं है। और फिर उसने क्या किया है, गाड़ी उससे गिरी है, गाड़ी गिरने के बाद वो बता रहा है कि मैंने गाड़ी छोड़ दी थी, गाड़ी अल्लाह का शुक्र है कि खुद साइड पे हो गया, गाड़ी छोड़ दी है, गाड़ी चली गई है कहीं ईंटों में, तो ये जाके गिरी है और ये सारी चीज़ें इसकी टूटी हैं, और ख़ुद गाड़ी वहाँ छोड़ के तो फिर भाग गया है, गाड़ी वहाँ छोड़ी है और ख़ुद गायब हो गया कि शायद अभी मुझे पापा मारेंगे। कोई बच्चा आया उसने, तो फिर हम लोग परेशान हो गए, काफ़ी देर हो गई, जवाद को ढूंढ रहे हैं, जी जवाद इधर आ गया, जवाद उधर है, कहाँ है, फिर जो है ना उसको ढूंढा है, वो उधर आ गया विलेज में जो है ना खेल रहा था बच्चों के साथ, तो मैंने उसको कहा कि ये तुमने जो है ना क्या किया है, गाड़ी लेके आए हैं, फिर हम लोग उसको फिर समझाया है, कहा कुछ नहीं है, खैर वार्निंग दी है उसको कि आइंदा बाद, अब करना पता क्या है राबिया, इसका अभी काम कराना नहीं है गाड़ी का, क्योंकि उस नई गाड़ी की चाबी जो होती है वो मेरे पास ही रहती है, वो मैं घर में अगर रखता हूँ तो उसको लॉक करके रखता हूँ, तो इस गाड़ी की जो चाबी थी ये डायरेक्ट था, ये देखें इसकी चाबी जो है ये डायरेक्ट कराया हुआ है हमने, ये डायरेक्ट जो है ना ओपन है, ओपन, तो या तो इसको जो है ना सही करा के ठीक है बेच देते हैं, और बल्कि एक काम करते हैं राबिया, जो नई गाड़ी होती है ना उसके जो ये टायर आते हैं ना वो होते हैं 4 प्लाई के, और इसके जो दोनों टायर हमने नए लगवाए थे अभी ये हैं 6 प्लाई के, तो क्या ख्याल है, क्योंकि क्यों ना हम इसके ये टायर वगैरह निकाल के उसको लगा लें, और उसके नए वाले, और उसका सारा नया सामान इसकी टंकी वैंकी सब उसी को लगा देते हैं, टंकी पे डंड आ गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन लीक नहीं होगी, तो जो है ना हम इसकी टंकी भी और ये सारा इसका मतलब ओल्ड सामान निकाल के उसको लगा देते हैं, और उसका जो नया सामान है वो हम खोल के रख लेते हैं, कल को अगर हम गाड़ी फरोख्त करते हैं तो हमें वही कीमत मिलेगी। हाँ, नया सामान रखा होगा ना, तो फिर उसी हिसाब से हम उसको उठा के तो वो लगा, तुमने अभी तो इसका काम करवाया था, शाखें वगैरह सब नए डलवाए, ये अगली, हालांकि यकीन करें ये अगली शाखें भी, इसका टोटल काम सिवाय इंजन के और टंकी टॉपों के बाकी हर चीज इसकी नई लगवाई हुई है मैंने, गद्दी भी नई है, सिर्फ ये फ्रेम, और ये देखें पीछे से भी ये बैक लाइट भी गई है, तो इसकी ये जो फ्रेम है ये खाली पुरानी है, बाकी मैंने इसका सारा काम नया कराया है, अभी ये तो मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि क्या करना है इसका, कार्बोरेटर की ये हड्डी मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी होता है ये वाला पाइप ये नया डलेगा, उसके बाद फिर वो देखेगा कि कार्बोरेटर नया डलेगा, तो इसका जो सामान है वो हम निकाल के उसको लगा देते हैं, बाकी ऐसा करते हैं राबिया के जो है ना राबिया फिर घर की खैर और बरकत के लिए शहर से अभी हम लोग आए हैं, तो राबिया ये लेके आई है सामान, क्या क्या लाई हो राबिया? मैं लेकर आई हूँ, एक जगह मुझे मिले हैं 100 के 1.5 किलोमीटर, और अच्छा। एक जगह मिले हैं मुझे 100 के 2 किलोमीटर, 100 के 1.5 किलो और 100 के 2 किलो, ये 100 के 1.5 किलो हैं, ये 100 के 2 किलो हैं। अच्छा। तेल लेकर आई हूँ, ऑयल खत्म था, लहसुन अदरक और हरी मिर्च लेकर आई हूँ, क्योंकि पेस्ट भी खत्म, 5 किलो चावल हैं, और ये है क्या नाम गरम मसाला है, गोभी है, क्योंकि कल मुझे बहुत परेशानी हुई, कुछ भी नहीं था घर में, और आलू भी लेकर आई हूँ, 100 के 2.5 किलो मिले आलू। अच्छा, इस दफा चलो सही रेट पे मिले, और टमाटर मुझे इस दफा 50 रुपए किलो मिले हैं, चलो इस दफा टमाटरों का रेट भी सही हो और गया, प्याज भी 100 का 2.5 किलो मिला, ये सारा सामान खत्म था घर तो का। आप ये देख लेना चावल खोल के दिखाओ ना, अक्सर फिर बहन बहन भाई कहते हैं कि आप जो है ना चावल जो बांटते हो वो सस्ते वाले बांटते हो, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, मैं जो चावल देख जो में चावल हम घर में खाते हैं या जो देख में हम इस्तेमाल करते हैं वही चावल वो हम कच्चे कायनाते बना के, तो यहाँ पर जो है ना राबिया भी लेके आई है घर, अभी पता है 180 रुपए किलो हो गए चावल, 150 था, घर की खैर और बरकत के लिए ये चावल लाई है, तो ये कितने 5 किलो पका रही हो या 3 किलो पका रही? नहीं नहीं, मैं 3 किलो पकाऊंगी, 3 किलो पका रही हूँ, मटरों वाला पुलाव, हाँ मटरों वाला पुलाव, 1.5 किलो मटर है, 3 किलो चावल है, 1 किलो आलू डालूंगी, तो आप 5 किलो ही हो गया। आप बहन भाइयों से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे घर के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम हमारे बहन भाइयों को, चाहे बहुत ज्यादा बन चुकी थी अल्लाह पाक, जिस वजह से हम कल वीडियो भी नहीं अपलोड की है, हाँ जी, बाकी अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, गैर मुस्लिम बहन भाइयों को, जितने भी हमें देखते हैं सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी दुख तकलीफें जो है ना अपने फजल और करम के साथ दूर फरमाए, आप सब ने हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है, तो राबिया बिस्मिल्लाह करो, ये बनाओ और जो है ना बटर छीलती हूं और आलू छीलती हूं, और आज यकीन माने कि इतना अभी सूरज निकला है, 2:30 बजे टाइम दिखाता हूँ जी आपको, 2:31 है और अभी सूरज निकला, अभी सूरज निकला है, तो ये अभी बना के राबिया जो है विलेज में बांट देगी, अदरक का लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना कर रखती हूँ, हरी मिर्च लहसुन अदरक सब एक साथ ग्राइंड करके ना इसे
डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो जी आप बहन भाई हमें इतना प्यार करते हैं, रात को यकीन करें कि नवाज भाई की कॉल आ गई, लेकिन हमारा इंटरनेट ऑफ था, कराची से भी हमें कॉलें आई हैं इराम सिस्टर की, और व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और वाईटी में मैसेज और वाईटी में जो है ना इतने कमेंट्स थे हमें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम बहनों का, भाइयों का। हमारे एक दिन वीडियो नहीं जाते तो वो बहन भाई परेशान हो जाते। इश्फाक भाई का भी लाहौर से फोन आ गया, काफी हमारे बहन भाई हैं उनका जो है ना फोन आया। तो फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना मोहब्बत देते हैं। एक दिन हमारे वीडियो ना जाए तो मेरे बहन भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, अपने जमान में रखे। जजाक अल्लाह करा, आपने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी। कल मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैंने थोड़ा सा कल का दिन हमारे ऊपर समझे बहुत भारी गुजरा है, भारी गुजरा। मैंने अपना देसी टोटका क्या किया, जब मेरे पेट में दर्द होता है मैं थोड़ा सा मीठा सोडा नमक एक चुटकी, सोडे की एक चुटकी नमक की और गर्म पानी हल्का नुस्सा ले लेती हूँ और उससे आराम आ जाता है मुझे पेट के दर्द को। चलें जी आप ये बनाएं और बांटें। हाँ जी, सुबह वर्दी पहन के जाते हैं, अभी स्कूल से वापसी हो गई है, अभी अभी आ गए हैं स्कूल से, सुबह वर्दी पहन के जाते हैं, वर्दी बैग के अंदर रख देते हैं और खुद आ जाते हैं। अच्छा जी, आप जो आपको देख रहे हैं आपकी आंटीज और अंकल, उनसे सॉरी कहो। किस लिए? गाड़ी का जो नुकसान किया है। मैंने तो ना किया, गाड़ी मुड़ गई थी ना हैंडल उसका। कहाँ फेंका था? वो नहर के पास मोरी पे। वो जो ईंटें पड़ी हैं तो फिर उधर गाड़ी छोड़ के भाग क्यों गए थे? इसलिए क्योंकि आप मारते हैं। आप मारो नहीं कि मैंने नुकसान कर दिया, इस वजह से डर के भाग गए थे जी। फिर शाम में कहीं जाके मिलाया, देखो तो सही गाड़ी का कचुम्बर कैसे हुआ है, जब चलानी नहीं आती सही तरीके से तो फिर नहीं लेते। ये शुक्र करो तुम्हें कहा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डांटा है थोड़ा सा। अंदर तो नहीं करोगे? नहीं। अंदर गाड़ी निकालोगे? नहीं। अभी हंस कैसे रहे? हंस हंस कैसे रहे? कानों को हाथ लगाओ, बोलो ऐसे सॉरी सॉरी। हाँ, अपनी गलती का एहसास है। ये तो शुक्र है कि मैं नई गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास नहीं थी, वरना तुम उसको भी उड़ा के ले जाते। उसकी चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। इसका जो सामान है वो अभी तक भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये मेरा बहुत पुराना साथी है, पिछली वीडियो में भी आप सबको पता है इसने बहुत साथ दिया है, मुझे यहाँ से कराची भी लेकर के गया था। बेगम साहिबा जो है अभी इस वक्त क्या हो रहा है? ये मशीनों ने इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है। पता ही ये भी आसानी हो जाती है कि जल्दी जल्दी अगर अंडिया बना लियो तो लहसुन अदरक कूटा हुआ ना हो तो ये बहुत काम दे जाता है उस वक्त का। मैं ख्याल करना कहीं टूट ना जाए, देखो आवाजें कर रहे हैं। नहीं ऐसी आवाज कर रही अच्छा। राबिया जी एक साथ ये देखें आप, लहसुन अदरक ये भी काफी सारा रखा हुआ है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, तो ये काफी सारा ये बना लेती है और फिर फ्रीज कर देती है और फिर जब सालन बनाती है तो थोड़ा थोड़ा जो है ना उसमें ऐड करती रहती है। हाँ जी ऐड होता रहता है ना, तो इससे मेरी ना जिंदगी थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। चलें जी ये हमारी जो राबिया बना रही है ये बांटने वाला प्रोसेस जी हमारे सेकंड चैनल पे होगा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आखिर में हम आप यही कहेंगे कि जहाँ रहें हमारे प्यारे बहन भाई, अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, सदा सलामत रहें। नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ आप सब बहन भाइयों से चाहेंगे जी इजाज़त, होगी जी आपसे कल मुलाकात इंशाल्लाह। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा यार, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, रब सोने दे हवाले, अल्लाह दे हवाले। बेगम साहिबा के लहसुन अदरक ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है जी, मशीन खराब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो हूँ लेकिन टूल मेरे पास अभी नहीं है, तो इसको सुबह खोल के देखूंगा कि इसको हुआ क्या है। हालांकि ये प्लग भी काटा है इससे कि शायद इसका कोई मसला हो जाए, लेकिन नहीं। बेगम साहबा का मटरों वाला पुलाव जो कि तकसीम करना है हमने, उसकी तैयारी हो रही है, पानी वगैरह डाल दिया है अल्लाह हाफिज़ के बाद, इसीलिए थोड़ा सा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने कहा कि आपको ये भी दिखाता चलूँ कि जो है ना चावल अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, और अभी इसका जो बांटने वाला प्रोसेस है वो हमारे सेकंड चैनल पे आपको मिलेगा, तो लाजमी से आपने देखना है जी। थैंक यू सो मच।